रक्षा राज्य मंत्री श्री अजय जी भट्ट, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल एमएम नरवणे, चीफ ऑफ एयर स्टाफ एयर चीफ मार्शल वीआर चौधरी, चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमिरल आर हरिकुमार, डिफेंस सेक्रेटरी डॉक्टर अजय कुमार, सेक्रेटरी ईएसडब्ल्यू श्री बी आनंद, रक्षा मंत्रालय के सभी अधिकारी वर्ग, सेना के हमें सारे अधिकारी वर्ग, बहादुर जवानों और सभी सम्मानित वेटरन्स, एनसीसी कैडेट्स और स्कूल चिल्ड्रन, मीडिया के मेरे मित्रों, देवियों और सज्जनों, आज हम सभी यहां इंडिया गेट पर 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के स्वर्णिम विजय वर्ष के अंतर्गत आयोजित विजय पर्व को मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। यह पर्व भारतीय सेनाओं की उस शानदार विजय के उपलक्ष्य में है जिसने दक्षिण दक्षिण एशिया के इतिहास और भूगोल दोनों को बदल दिया था। 1971 के भारत पाक युद्ध में भारतीय सेना ने जिस अदम्य साहस, शौर्य और पराक्रम का परिचय दिया वो हर एक भारतवासी के लिए एक अत्यंत गर्व का विषय रहा है। यह विजय पर्व देश की सेनाओं के प्रति हर भारतवासी के मन में एक सम्मान का भी पर्व है। साथियों, इस आयोजन के लिए मंत्रालय को जहां मैं बधाई देता हूं, वहीं समस्त देशवासियों को भी अपनी तरफ से हार्दिक बधाई देता हूं। मैं मानता हूं यह एक अच्छी शुरुआत है। ऐसे अवसरों पर हम अपने राष्ट्र की संप्रभुता, एकता, अखंडता की सुरक्षा और राष्ट्र के विकास के संकल्प को दोहराते हैं। यह आयोजन और भी भव्य और दिव्य रूप में करने का निर्णय हुआ था, मगर देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत के असामयिक निधन के बाद और साथ ही साथ उनकी धर्मपत्नी तथा 11 अन्य हमारे बहादुर जवानों के निधन के बाद इसे सादगी के साथ मनाने का निर्णय लिया गया। आज के अवसर पर मैं उन सभी को स्मरण करते हुए अपनी हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। एक हमारे और एयरफोर्स के अफसर ग्रुप कमांडर वरुण सिंह इसमें बंगलोर कमांड हॉस्पिटल में उनका इलाज चल रहा है। मैं लगातार संपर्क में हूं और उनके पिताजी से भी हमारा लगातार संपर्क बना हुआ है। हम सभी ये प्रार्थना करते हैं वह जल्दी स्वस्थ होकर वह बाहर आएं और अपने दायित्व का निर्वहन करें। जनरल रावत के निधन से एक बहादुर सैनिक, योग्य सलाहकार और जिंदा दिल इंसान को खोया है। वे इस विजय पर्व के आयोजन को लेकर बेहद उत्साहित थे। कई बार इस कार्यक्रम के स्वरूप पर उन्होंने मुझसे व्यक्तिगत रूप से भी चर्चा की थी, इसलिए मुझे उनकी कमी काफी अधिक आज महसूस हो रही है। साथियों, आज के दिन मैं भारतीय सेना के उस हर सैनिक के शौर्य, पराक्रम और बलिदान को नमन करता हूं जिनकी एक वजह से 1971 के युद्ध में भारत ने विजय हासिल की थी। यह रेस उन सभी वीरों के त्याग और बलिदान का सदैव ऋणी रहेगा। पिछले एक साल से चल रहे स्वर्ण विजय वर्ष के दौरान पूरे देश में अनेक कार्यक्रम आयोजित किए गए। यह उत्सव जिस तरह से पूरे देश में मनाया गया वह अपने आप में अभूतपूर्व है। हमने देखा कि स्वर्णिम विजय मशाल वो देश के जिस भी कोने में ले जाया गया वहां देशवासियों ने सच्चे मन से, आदर से और साथ ही साथ श्रद्धा के साथ इसका भव्य स्वागत भी किया था। यह उत्सव और इस उत्सव के लिए यह उत्साह इस बात का भी साक्षी है कि हम देशवासियों के दिल में अभी भी 1971 की यादें पूरी तरह से तरोताजा है। साथ ही यह उत्सव एक प्रतीक है उस जोश, जुनून और उत्साह का जिसे हमारी सेनाओं ने 1971 के युद्ध में प्रदर्शित किया था। यह उत्सव हमें प्रेरणा देता है कि हम अपने उसी उत्साह, जोश और जुनून को लेकर प्रगति के पथ पर सदैव आगे बढ़ते रहें।
देवियों और सज्जनों, जब कभी भी 1971 के युद्ध की बात होती है तो उसमें एक दो चीजें हमेशा प्रमुख रूप से हमारे सामने आती है। वह है भारतीयों की मानवता और विश्व बंधुत्व की भावना। संपूर्ण पृथ्वी, जिसमें केवल मानव ही नहीं बल्कि जीव जंतु भी शामिल हैं, सभी उसके अंतर्गत आते हैं। विश्व में अकेला देश हमारा यह भारत है, जिस देश के रहने वाले ऋषियों और मनीषियों ने भारत की सीमा में रहने वाले लोगों को ही अपने परिवार का सदस्य नहीं माना है, बल्कि पूरे विश्व की धरा पर रहने वाले सभी लोगों को परिवार का सदस्य मानते हुए सारे विश्व को वसुधैव कुटुंबकम का संदेश देने वाला इस विश्व में अकेला कोई देश है। यह हमारा आपका देश, यह हमारा भारत है। भारत देश हमेशा से सत्य और न्याय के पक्ष में खड़ा रहा है। जिस सर्प को काटने पर मरने की गारंटी रहती है, उसे भी नाग पंचमी के दिन दूध पिलाकर दीर्घजीवी होने की कामना करने वाला इस दुनिया में कोई एक देश है तो हमारा वह देश भारत है। अगर हम अपने स्वर्णिम इतिहास के पन्नों को पलटकर देखें, तो पाएंगे कि चाहे श्री राम, चाहे वह श्री कृष्ण या फिर बुद्ध हों, चाहे कबीर हों, चाहे नानक हों, चाहे गांधी हों, चाहे अम्बेडकर हों, सभी ने मानवतावादी मूल्यों के लिए आजीवन संघर्ष किया है। 1971 का युद्ध हमारी इसी परंपरा को आगे बढ़ाने वाली एक महत्वपूर्ण कड़ी है। इसलिए यह युद्ध केवल पाकिस्तानी सेना के खिलाफ नहीं था, बल्कि अत्याचार और अन्याय के खिलाफ था। यह विजय केवल भारत की पाकिस्तान पर जीत भर नहीं थी, बल्कि यह न्याय की अन्याय पर, सदाचार की दुराचार पर जीत थी। आप सभी शायद मार्टिन लूथर किंग जूनियर के उस कथन से अवगत होंगे, जिसमें उन्होंने कहा था कि इनजस्टिस एनीवेयर इज अ थ्रेट टू जस्टिस एवरीवेयर, यानी किसी भी जगह अगर अन्याय हो रहा है तो वो दूसरी जगह व्याप्त न्याय के लिए भी खतरा पैदा करता है। 1971 में जब पूर्वी पाकिस्तान के अनगणित बंगाली बहनें और भाइयों पर अत्याचार और अन्याय हो रहा था, तो वह दूसरे देशों को भी प्रभावित कर रहा था। कभी कभी मैं सोचता हूं कि हमारे बंगाली बहनों और भाइयों का आखिर कसूर क्या था। बस यही कि वे अपने अधिकारों की मांग कर रहे थे, अपनी कला और संस्कृति और भाषा के संरक्षण की मांग कर रहे थे, वह राजनीति और शासन में अपने उचित प्रतिनिधित्व की भी मांग कर रहे थे। देवियों सज्जनों, हमारे बंगाली बहनों और भाइयों पर होने वाला अन्याय और अत्याचार किसी न किसी रूप में संपूर्ण मानवता के लिए खतरा था। ऐसे में पूर्वी पाकिस्तान की जनता को उस अन्याय और शोषण से मुक्त दिलाना हमारा राजधर्म भी था, हमारा राष्ट्रधर्म भी था और हमारा यह सैन्य धर्म भी था। 1971 के युद्ध में हमारी सेनाओं के संकल्प, समन्वय और शौर्य का अद्भुत यह उदाहरण मिलता है। मुक्ति वाहिनी का समर्थन करने से लेकर पूर्वी पाकिस्तान से आए लाखों की संख्या में शरणार्थियों की मदद तक, और पश्चिम और उत्तरी क्षेत्र में किसी भी आक्रामकता और तनाव को रोकने से लेकर पूरे विश्व में शांति, न्याय और मानवता के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को बनाए रखना, यही हमारा उद्देश्य था। यह सब कोई आसान काम नहीं था, और मुझे ये कहते हुए गौरव की अनुभूति हो रही है कि भारतीय सेनाएं इस कठिन परीक्षा में खरी उतरी हैं, और इसका सुखद परिणाम क्या हुआ यह केवल भारत ही नहीं बल्कि सारी दुनिया जानती है। देवियों सज्जनों, यह युद्ध हमारी नैतिकता, हमारी लोकतांत्रिक परंपराओं और न्यायपूर्ण व्यवहार का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। ऐसा इतिहास में कम ही देखने को मिलेगा कि कोई देश दूसरे देश को युद्ध में हराने के बाद उस पर अपना प्रभुत्व न जताए, बल्कि वहां के राजनीतिक प्रतिनिधि को सत्ता शहर सौंप दे। पर भारत ने ऐसा ही किया, क्योंकि यह व्यवहार हमारी संस्कृति और हमारे संस्कार का एक हिस्सा है, हमारी एक परंपरा रही है।
जिसके चलते भारत ने कभी किसी दूसरे देश पर न तो आक्रमण किया है न तो दुनिया के किसी देश की एक इंच जमीन पर भी हमारे भारत ने कभी कब्जा किया है। भारत ने बांग्लादेश में लोकतंत्र की स्थापना में अपना योगदान दिया और आज हमें इस बात की अत्यंत प्रसन्नता है कि पिछले 50 सालों में बांग्लादेश विकास की राह पर तेजी से आगे बढ़ रहा है, जो बाकी दुनिया के लिए एक प्रेरणा का भी यह विषय है। देवियों सज्जनों, आज जब विजय पर्व के अवसर पर मैं मानवतावादी मूल्यों की रक्षा के लिए संघर्ष की भारतीय परंपरा की चर्चा कर रहा हूं तो उसका मतलब केवल 1971 के युद्ध तक ही सीमित नहीं है। जैसा कि मैंने पहले ही कहा है कि मानवतावादी मूल्यों के आधार पर युद्ध की हमारी ऐतिहासिक परंपरा रही है। अतीत में रामायण महाभारत काल से लेकर आधुनिक इतिहास में 1857, 1947, 1965, 1971, 1999 के कारगिल युद्ध तक भारत लगातार बर्बरता, अमानवीयता और अन्याय के खिलाफ सदैव लड़ता रहा है। आप लोग अवगत होंगे कि भारतीय सैन्य इतिहास में यदि किसी नाम से सर्वाधिक ऑपरेशन चलाए गए हैं तो वह नाम ऑपरेशन विजय ही है। 1948 में जब ब्रिगेडियर उस्मान द्वारा झंगड़ पर पुनः कब्जा हासिल किया गया था तो उसे ऑपरेशन विजय का ही नाम दिया गया था। 1961 में गोवा दमन एंड दीव की मुक्त के लिए जो ऑपरेशन चलाया गया था वह भी ऑपरेशन विजय ही था। और 1999 में कारगिल में हमने जो शानदार विजय हासिल की थी उसे भी हम कारगिल विजय दिवस के नाम से मनाते हैं, यानी विजय के साथ हमारा नाता रिश्ता बहुत ही पुराना है और यह विजय पर्व हमारी उन सभी ऐतिहासिक विजयों का एक महत्वपूर्ण उत्सव भी है। आज से 50 साल पहले जब हम बांग्लादेश जैसे नए राष्ट्र के निर्माण में सफल हुए थे, उसी से ठीक 10 साल पहले यानी 1961 के दिसंबर माह में हम गोवा को भी औपनिवेशिक ताकतों के 450 सालों के चंगुल से मुक्त कराने पाने में भी सफल हुए थे। यह संग्राम इस बात का साक्षी रहा है कि हमें बांटने का जितना भी प्रयास किया गया है जाएगा, हम उतनी ही एकजुटता के साथ दुश्मनों का मुकाबला करेंगे। कहने का मतलब, यह विजय पर्व किसी खास ऑपरेशन का ही नहीं बल्कि देशवासियों और हमारी सेनाओं की अंतरात्मा में बसे विजय के भाव जो रानी लक्ष्मीबाई से लेकर मेजर सोमनाथ शर्मा, वीरम अब्दुल हमीद, एलवर्ट का और कैप्टन विक्रम बत्रा और आज हमारी सेनाओं के सभी अंगों में विद्यमान है, उसका यह महोत्सव है। साथियों, 20वीं शताब्दी में दो विश्व युद्ध हुए जो कई वर्ष चले और दोनों विश्व युद्ध के बाद यदि 20वीं शताब्दी के सबसे निर्णायक युद्धों की गिनती की जाएगी तो 1971 का यह दुनिया ने सबसे निर्णायक युद्धों में गिना जाएगा। और इस बार ने हमें एक साथ मिलकर सोचने, प्लान करने, ट्रेन करने और साथ ही साथ फाइट करने का महत्व भी बताया है। यह युद्ध हमें यह भी बताता है कि मजहब के आधार पर हुआ भारत का विभाजन एक ऐतिहासिक गलती थी। पाकिस्तान का जन्म एक मजहब के नाम पर हुआ मगर वह एक नहीं रह सका। 1971 की हार के बाद हमारा पड़ोसी देश भारत, पड़ोसी देश बराबर हमारे भारत में लगातार एक छद्म युद्ध चला रहा है। भारत विरोध की भावना पाकिस्तान में कितनी बलवती है इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि जिन आक्रांताओं ने भारत पर हमले किए उनके नाम पर वे अपने मिसाइलों का नाम रखते हैं, घोरी, गजनवी, अब्दाली। उनसे पूछना चाहिए कि इन्होंने तो आज के पाकिस्तानी भूभाग पर भी हमला किया था, जबकि भारत की मिसाइलों के नाम होते हैं आकाश, पृथ्वी, अग्नि। अब तो हमारे एक मिसाइल का नाम संत भी रखा गया है और कल ही उसका एक सफल परीक्षण हुआ है। मैं इसके लिए डीआरडीओ की पूरी टीम को अपनी तरफ से हार्दिक बधाई देता हूं। भारत देश एक ऐसा देश है जहां के ऋषियों और मनीषियों ने, देवियों सज्जनों, परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम का यह संदेश हम लोगों को दिया है।
और उसी संदेश को हम लोगों ने अपने जीवन में स्वीकार किया है। देवियों सज्जनों, 20वीं शताब्दी में आप जानते हैं दो विश्व युद्ध हुए जो कई वर्ष चले, और दोनों विश्व युद्ध के बाद यदि 20वीं शताब्दी के सबसे निर्णायक युद्धों की गिनती की जाएगी तो 1971 का यह युद्ध दुनिया ने सबसे निर्णायक युद्धों में गिना जाएगा। इस बार ने हमें एक साथ मिलकर सोचने, प्लान करने, सबकी यह शिक्षा दी है। साथियों, आतंकवाद और अन्य विरोधी भारत गतिविधियों को बढ़ावा देकर पाकिस्तान भारत को तोड़ना चाहता है, मगर भारतीय सेनाओं ने 1971 में उसके मंसूबों को नाकाम किया था और अब आतंकवाद को भी जड़ से खत्म करने की दिशा में हमारी बहादुर सेना के जवानों के द्वारा यह काम चल रहा है। हम प्रत्यक्ष युद्ध में जीत दर्ज कर चुके हैं, परोक्ष युद्ध में हमारी ही विजय होगी, ऐसा मेरा पक्का विश्वास है। साथियों, आज बदलते समय में हमारी तीनों सेनाओं के बीच ज्वाइंटनेस और इंटीग्रेशन को बढ़ावा देने की बात की जा रही है। मैं समझता हूं कि 1971 का युद्ध इसका एक शानदार उदाहरण रहा है। इस युद्ध ने हमें एक साथ मिलकर योजना बनाने, प्रशिक्षित करने और लड़ने का महत्व समझाया। देवियों सज्जनों, हाल में हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में रक्षा क्षेत्र में कई बड़े सुधार किए गए। सरकार ने चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ और डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स की भी रचना की है। भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखकर सेनाओं को लगातार हमारी सरकार के द्वारा मजबूती दी जा रही है। सेनाओं को अधिक सक्षम, कुशल और आत्मनिर्भर बनाने के प्रयासों से भी आप सभी अच्छी तरह अवगत हैं, इसलिए विस्तार में नहीं जाना चाहूंगा। रक्षा खरीद से लेकर रक्षा उत्पादन तक में सरकार अनेक नए कदम उठा रही है जिससे हमारी सेनाएं सशक्त और सुदृढ़ बन सके। रक्षा अनुसंधान, विकास और विनिर्माण में निजी क्षेत्र को बढ़ावा दिया गया है और आत्मनिर्भर भारत अभियान के माध्यम से रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने का प्रयास भी उसी में शामिल है। कुल मिलाकर हमारे सशस्त्र बल को किसी भी परिस्थिति के लिए तैयार रखना यह हमारा उद्देश्य है और इस दिशा में हम बड़ी तेजी के साथ आगे भी बढ़ रहे हैं। विजय पर्व जैसे उत्सव हमें इसी राह पर और तेजी से आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। मुझे इस बात की खुशी है कि इस पर्व में देश की आम जनता को शामिल करने और उन्हें 1971 के युद्ध के बारे में जानकारी देने और हमारी सेनाओं की अब तक की प्रगति के बारे में अवगत करने के लिए एक विशाल प्रदर्शनी भी लगाई गई है। मुझे आशा ही नहीं बल्कि पूरा विश्वास है कि आमजन इस पहल के माध्यम से अपने आप को 1971 के युद्ध की उपलब्धियों और उसकी प्रेरणाओं से खुद को जोड़ सकेंगे और राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्यों को नए तरीके से आत्मसात कर सकेंगे। आइए हम सभी इस पर्व से जुड़े एक नए उल्लास और एक उत्साह के साथ इसे मनाएं और सफल बनाएं। इस अवसर पर इससे अधिक कुछ न कहते हुए मैं पुनः 1971 युद्ध के सभी महानायकों को नमन करता हूं और इस पर्व की शुभकामनाएं देते हुए आप सभी को अपनी तरफ से मैं पुनः धन्यवाद देते हुए अपना निवेदन भी समाप्त करता हूं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय रक्षा मंत्री महोदय का हर शब्द हर भारतीय सैनिक एवं देशवासियों के लिए प्रेरणा है, कर्तव्य पथ पर निडरता से आगे बढ़ने रहने का एक आत्मविश्वास। अब मैं माननीय रक्षा मंत्री जी से निवेदन करती हूं